राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे 6.2 से। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति फर्स्ट तथा सेकंड में डी एफ पैरेलल बी सी है, पहला पार्ट है ई सी और दूसरा पार्ट है ए डी, ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, तो दिए हैं त्रिभुज है, त्रिभुज बना है बी ए बी सी है, त्रिभुज ए बी और सी है, बी सी के पैरेलल डी ई है, बी और ई है, और दिए हैं ए डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ए डी यही तो है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर दिए हैं। फिर बी और डी 3 सेंटीमीटर, बी और डी 3 सेंटीमीटर दिए हैं, और ए ई 1 दिए हैं, ए ई 1 सेंटीमीटर। ई सी का पूछ रहे हैं, ई सी का नहीं पता है, तो देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए डी बाई डी बी डी, ए डी बाई ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई और सी ये होगा। ए डी, ए डी की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है ना, ए डी के स्थान पे 1.5 रखेंगे, बटे बी डी, बी और डी, बी डी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 रखेंगे, इक्वल टू ए ई, ए ई की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, 1 रखेंगे। ई सी, ई सी की वैल्यू नहीं पता है, निकालनी है, ई सी को ऐसे ही लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं और 10 से भाग देते हैं। तो जब हम 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो 5 15 1 15 15 2 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ई सी इक्वल टू, ई सी इक्वल टू 2 1 2 2 सेंटीमीटर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट है, इसमें भी त्रिभुज है ए बी और सी है, ए बी सी है, तो हाँ ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे बना है ए बी और सी, बी सी के पैरेलल डी ई है, तो डी ई, डी ई, तो ए डी, ए डी की वैल्यू दिए हैं, ए डी की वैल्यू नहीं पता है, बी और डी की वैल्यू 7.2 दिए हैं, इतने की वैल्यू 7.2 है, फिर ए ई की वैल्यू 1.8 है, इसकी वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर दिए हैं, और ई सी की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर दिए हैं, 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए ए, ए और डी, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए डी, ए डी बाई क्या हो जाएगा, बी डी होगा ना, बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ई सी, ए डी, ए डी की वैल्यू नहीं पता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए डी बाई बी डी, बी डी की वैल्यू 7.2 है ना, तो यहाँ पे हम 7.2 रखेंगे, इक्वल टू ए ई,
ए के स्थान पे 1.8 रखेंगे, बटे ई सी के स्थान पे 5.4 रखेंगे। चार, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों जगह देखिए पॉइंट है ना, और एक ही अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट तो हट ही जाएगा क्योंकि बराबर गिनती के बाद है। तो 18 1 18 18 54 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3 AD इक्वल टू 7.2 होगा। तो AD इक्वल टू 3 के पास AD के पास 3 है ना, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो बटे में होगा, बटे में 3 3 1 के 3 3 2 6 दशमलव लगाएंगे 1 7 ना, तो ये 12 हो जाएगा। तो 3 4 12 तो AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू कितनी आई, 2.4 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किसी किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। तो प्रूफ करना है, देखते हैं। दिए है त्रिभुज है PQR है, PQR है, तो ये कह रहे हैं EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, QR के पैरेलल क्या है EF, ये प्रूफ करना है। E और F होगा, तो ये दिए हैं PE 3.9 सेंटीमीटर, PE 3.9 सेंटीमीटर है। फिर EQ 3 सेंटीमीटर है, EQ 3 सेंटीमीटर दिए हैं। फिर P और F, PF 3.6 दिए हैं, 3.6। FR दिए हैं 2.4 2.4। देखते हैं QR EF के समांतर है कि नहीं है, इतना बटे इतना लिखेंगे, PE by EQ equal to PF by FR ना। तो PE की वैल्यू कितनी है, 3.9 है, 3.9 बटे EQ कितना है, 3 है, 3 रखेंगे इक्वल टू PF की वैल्यू 3.6 है, 3.6। FR की वैल्यू 2.4 है, तो 2.4। तो यहाँ देखिए एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है ना, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 12 2 24। फिर 3 से ये वाला कटेगा, 3 1 के 3 3 1 के 3 3 3 का 9, तो इधर वाला आया 1.3/3 इक्वल टू 1/2। तो देखिए दोनों पक्ष इसमें बराबर नहीं आ रहे हैं ना, तो ये आपका पैरेलल नहीं है, QR EF के पैरेलल नहीं है। फिर इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें भी त्रिभुज बनाएंगे PQR, किसके पैरेलल प्रूफ करना है, E और F के ना। तो इसमें P और E की वैल्यू दिए हैं 4 सेंटीमीटर, 4 और इसका 4.5। फिर PF
पी एफ 8 दिए हैं, 8 और इसका 9 दिए हैं, तो यहाँ भी हम देखेंगे पी और ई, पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी और एफ, पी एफ बाई एफ आर होगा, एफ आर। तो पी ई, पी ई की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, 4 रखेंगे बाई ई क्यू, ई क्यू की वैल्यू 4.5 है, तो रखेंगे 4.5 इक्वल टू पी एफ, पी एफ की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 रखेंगे। और एफ आर, एफ आर की वैल्यू 9 है, तो 4 × 4, 4 × 8, तो 9 45, 4.5 ये है, 4.5 × 9 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1 = 1, तो दोनों देखिए बराबर आ गया ना, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर के है, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर, दोनों पैरेलल हैं, दोनों रेखा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पार्ट है इसी का, पी क्यू, इसमें भी त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू और आर, पी क्यू आर और किसके पैरेलल, ई एफ के पैरेलल प्रूफ करना है, तो देखते हैं, इतना तो ऐसे रहेगा जैसे लिखे हैं, दिए हैं पी, तो पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू दिए हैं 1.28, 1.28 दिए हैं, फिर दिए हैं पी आर, पी आर की वैल्यू 2.56 दिए हैं, 2.56 दिए हैं, फिर पी ई की वैल्यू 0.18, इतने की वैल्यू दिए हैं 0.18 दिए हैं, फिर पी ई की वैल्यू 0.36 दिए हैं, 0.36 दिए हैं। यहाँ पे देखिए पी ई बाई ई क्यू, अब हम पहले क्या था, पहले छोटा वाला और छोटा वाला दिया रहता था, लेकिन अब क्या है, इधर छोटा वाला और बड़ा वाला दिया है, छोटा वाला और बड़ा वाला, तो पहले हम ऊपर लिखेंगे पी ई बटे में पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू, और यहाँ पे पी एफ बटे पी आर, पी आर, तो पी ई की वैल्यू कितनी है, 0.18 है, बटे पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू 1.28 है, इक्वल टू पी एफ, पी एफ की वैल्यू 0.36 है, 0.36 बटे पी आर, पूरे ये पी आर की लंबाई कितनी है, 2.56 है, 2.56। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद दशमलव है ना, और वहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पे जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो जीरो भी हम हटा दिए, फिर पॉइंट से पॉइंट हटेगा, जीरो भी हटेगा, तो ये हो जाएगा 18 6 3 2 9 18 2 6 12 2 4 8, तो 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 2 4 और 2 8 16, फिर 2 9 18 2 6 12 2 4 8, तो 9/64, 9/64, 9/64 इक्वल टू 9/64, तो दोनों देखिए बराबर आ रहा है ना, तो क्यू आर पैरेलल ई एफ के, ई एफ के होगा, क्योंकि दोनों बराबर आ रहा है,